नमस्ते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो अभी हम लोग हो रहे हैं रेडी। मैं मतलब नहा वहा ली हूँ, बस मुझे भी जो है कंघी वगैरह करनी है। गुड्डू भी रेडी हो गई है, वो थोड़ी देर धूप में भी बैठ गई थी अपने बाल सुखाने के लिए ताकि बाल अच्छे से सूख जाएं, लेकिन अभी भी गीले थे। तो मैंने हल्का सा, मैंने कहा चल मैं ड्रायर कर देती हूँ ताकि गाड़ी में बैठ के सर में दर्द हो जाता है ना गीले बालों में हवा लगती है, तो इसीलिए हल्के से उसके ड्रायर से और सुखा दिए हैं। हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए। टाइम मैं बता दूँ तो 12:30 बज रहे हैं और अब हम लोग जाएंगे। मेरा मन नहीं था कहीं भी जाने का, मैं कह रही थी घर पे ही रहेंगे, लेकिन बच्चों को पापा की छुट्टी है तो कहीं जाना है। दूसरा उन्होंने 5-6 दिन पहले कहा था, मैंने भी कहा था, 5-6 दिन पहले की बात कुछ और थी, कल से थोड़ा सा मूड ऐसे ही था। तो फिर मैं बहुत लेट उठी हूँ, बहुत लेट, अभी नहाई हूँ घंटा भर पहले ही। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, तो चलते हैं। मैंने और गुड्डू ने कुछ भी नहीं खाया पिया है, मेरा तो मन नहीं हो रहा था, उसका भी मन नहीं हो रहा था। तो फिर मैं अभी बोल रही थी बना दूँ, मैंने मूंग की दाल भिगोई थी कि सुबह को मूंग की दाल के वो बना देंगे, क्या बना देंगे, चीले। तो मैं यहाँ से देख रही हूँ शॉल कौन सा लूँ, कौन सा लूँ, इसके साथ मैरून लूँ या ये पीच कलर का लूँ, तो मुझे यही ठीक लग रहा है, यही ले लेते हैं। और मैं रेडी हो चुकी हूँ इस तरीके से, काजल लगा लिया है, हो गया है सर में दर्द, वैसे भी होना है गाड़ी में बैठ के, तो पर्स ले लिए हैं मैंने। और देख रही हूँ और क्या, कानों में मैंने ये वाले इयररिंग्स पहने हैं इस तरीके के, ये मेरी ही शॉप के हैं इयररिंग, कैसे लग रहे हैं। तो चलो जी चलते हैं, विपिन बाहर हैं, आवाज़ें दे रहे हैं क्या हो गया क्या हो गया। पहले मैं इसके नीचे ये गर्म पहन रही थी, फिर मैंने ये गर्म नहीं पहना, इतनी भी ठंड नहीं हो रही, मैंने कहा चल जाएगा, गाड़ी में वैसे भी ठंड नहीं लगती, बाहर निकल के लगती है। चलो चलते हैं। अरे बा आ गई, आ गई, कम से कम आधा घंटा इसी में निकल गया, आ गई आ गई। मैं है कहाँ है, बाहर रूमाल है स्टैंड ना, चलो चलो जी धन्यवाद, आखिरकार घर से बाहर निकलते हैं। चश्मा तो ले लूं कहीं कुछ देखने लायक चीज होगी। हेलो पीछे हुई है फोटो खींचो निकल चले हैं घर से, बच्चों ने आप लोगों को कर दिया है हाय हेलो, और अब बस निकलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। बच्चों को लग रहा था मॉल जाना है, मॉल जाना है, पैसिफिक जाना है, मैं यहीं से ही हूँ, लेकिन आज तक मैं पैसिफिक नहीं गई हूँ, देहरादून जो मॉल है मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, और ना मेरी ऐसी कोई इच्छा होती है कि हाँ भाई वहाँ जाना है, पैसिफिक जाना है, नहीं, मेरा बस ये रहता है कि चलो जहाँ बच्चों को जाना है बच्चों के बहाने सब कुछ देख ही लेते हैं, तो खुद इच्छाएँ पूरी हो ही जाती है, रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन 13 साल हो गए अब, तो 14 भी कंप्लीट हो जाएंगे, तो अब जा रहे हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। आप लोग वैसे देख चुके होंगे, जा चुके होंगे जो लोग यहाँ से हैं, और बाकी के लोग अपने अपने शहर वाले मॉल जा चुके होंगे। मैं तो मॉल शायद 5वीं या 6वीं बार जा रही हूँ, और इस तरीके से रास्ता जो है यहाँ पे बड़ा खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। पेड़ से ना झुके हुए से हो रहे थे, काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला रास्ता जो इधर वाले जंगल से होते हुए जाता है। और पता है इसी जंगल में ना एक बार विपिन का एक्सीडेंट हुआ था, शादी से पहले की बात है, सगाई से 1 साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से 2008 की बात है शायद, या 7 की बात है, 7 की बात है, 8 में तो हमारा रिश्ता हुआ था। और हम लोग रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए, बच्चे भी खाएंगे हम लोग भी खाएंगे, सब खाते पीते हैं फिर चलते हैं आगे। बस तो फेमस है यहाँ का, अब बताओ कौन कौन सा, भीड़ तो काफी अच्छी है। आलू का, आलू पराठा, आलू प्याज पराठा, गोभी पराठा, प्याज, आलू प्याज ही मंगाएंगे यार, उसमें फिर ये प्लेन आलू कर देंगे ना, ये तो प्याज।
हम खाएंगे पराठा, फिर करेंगे टाटा आलू पराठा और मैगी। हम चार पांच या छह पराठे मंगा लेंगे, हम भूखे आए कुछ नहीं खाकर आए, हमने कुछ खाया ही नहीं, हमने से नाश्ता ही नहीं किया। बिपिन ने तो फिर भी चाय के साथ फैन ले लिया था, बिपिन और तल मैंने, हमने तो खाली चाय, मैंने भी लेकिन गांधी ने शायद बिस्किट लिए होंगे, इन्होंने चाय भी, बाकी हम ऐसे ही हैं सुबह से। तो अभी पराठे खाएंगे मजे से और मैगी। अगर सुबह से निकलते तो शायद कहीं और ही जाते, पर हम निकले 12:30, देखते हैं अब कहाँ जाते हैं, देहरादून को जाएंगे। मैगी, हाँ इसकी मैगी आ रही है, यहाँ पे भी मैगी। देहरादून तो हम आ चुके हैं, प्रेम नगर आ गए, बस लव सिटी, लव सिटी आ गए हम। ये मिक्स वाला पराठा, ये आलू प्याज वाला पराठा, आलू प्याज वाला पराठा आ रहा बेटा, मक्खन से तो खाया था पराठा, चटनी है ये, चटनी है। वो लोग मेरी मैगी भूल गए, ला रहे हैं बेटा, बेशक दो मिनट में नाम, दो मिनट होती है पर दो मिनट में नहीं बनती, टाइम लगता है। चलो खाते हैं, खा के टेस्ट करो, चाय तो आई नहीं अभी, चाय के बगैर कैसे खाएंगे। कैसा लगा? फिर हमने खाया पराठा और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देहरादून पहुंच चुके हैं, प्रेम नगर है या देहरादून ही है, आई एम ए आ गया है, और बस उसके बाद अब हम आगे जाएंगे पैसिफिक मॉल। मैं नहीं गई ना आज तक किसी मॉल, कहाँ, हाँ एक बार तो जब बॉम्बे गए थे, दो तीन बार तब गए थे, उसके बाद मेरठ गए थे, मेरठ गए थे, मतलब बहुत गिनी चुनी बार गई हूँ, शायद आज मैं छठी सातवीं बार जा रही होंगी। गुड्डू तू? गुड्डू भी उतनी बार नहीं, हाँ मैं बहुत बार गेम खेलने दो, कार्तिक तो ज्यादा गया होगा, जा रखी उतनी बार जा रखी हूँ, पांच दो पहुँच गए हम तन्मे को लगा पड़ा है बस पैसिफिक पैसिफिक पैसिफिक। अगर तूने बेटा वहाँ फालतू की चीजें करी फिर तू पिटेगा, फिर आज तेरा लास्ट टाइम होगा मॉल में। मुझे मैं अभी दिखाऊं, हम जैसे अंदर जाएंगे ना अलग हो जाएंगे हम सब, हम सबको अपनी अपनी जगह देखनी है। मसूरी होगा वो सामने ऊपर, बर्फ पड़ी हुई है मसूरी में, ये बर्फ थोड़ी में है जो दिख रही है, घर है सारे, ये घर है सफेद सफेद से, बर्फ अच्छा नजारा है यार यहाँ से। मनाचू ये वाला घर 5 करोड़ का तो होगा आराम से। हम आ गए हैं और अभी सबसे ऊपर है, अभी आए हैं बिल्कुल, और तन मैंने आते ही जो है टॉय देख लिया है और उसका मुंह बन गया है, लेकिन हम बनने देंगे, हम मनाएंगे नहीं, काफी भीड़ है यार यहाँ पे तो। और हाँ आज 26 तारीख भी है, काफी भीड़ है यहाँ पे। अगर मेरा फोन गिर गया टुकड़े ही टुकड़े हो जाएंगे। हाँ मैंने ये कहा था कि अंदर जाती थी लाएंगे तन में, क्या ऐसा करना चाहते हो कि आज आखिरी बार आए हैं हम यहाँ पे, तो फिर ऐसी चीजें मत करो, और भी बच्चे घूम रहे हैं ना, हाँ देखेंगे, मत आगे से लाना ही नहीं है। चलो 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 भाई, रिंकी नहीं जा पाई एक्सीलेटर पे, एक्सीलेटर दोबारा बता, मम्मी की चक्कर में मैं भी जा पाई, मम्मी जा पाई और मैं जा रही थी, कोई नहीं जा पाया, अरे मैं वापस जाना पड़ रहा है।
कहाँ? वो है जस्सी का। यही होगी जस्सी का, उधर गई थी वो उधर। चलो 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 तन्मय जरा। तो सोचा कि चलो यहाँ पे चीज़ें देखते हैं और कुछ ख़रीदते हैं, लेकिन बहुत महंगा होता है मॉल में बहुत ज़्यादा। जैसे ये कुर्ती अच्छी लग रही थी मुझे, प्राइस देखो, मैंने कहा बेटे मैं नहीं लूँगी इसको, बहुत महंगी है। और फिर थोड़ा साइज़ का भी हो रहा था, वैसे तो ट्राई कर सकते हैं, तो देखते हैं आगे कुछ लेते हैं तो। और मैं बच्चों को बोल रही थी भाई तुम लोग ले लो, तुम लोग ले लो। मैंने तो अभी थोड़ी देर नो पहले ही हापुड़ से शॉपिंग की है, तो मेरा कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन फिर भी चलो मैंने कहा देख लेते हैं, अगर कुछ समझ आ जाए और अपने हिसाब किताब में हो तो ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं देख रही थी और इन बच्चों को बोल रही थी कि तुम देख लो अपने लिए, लेकिन बच्चों ने भी वही कि नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, वहाँ देखते हैं, ये करते हैं, ऐसे ही करते रहे। यहाँ से इधर की साइड से किसी ने कुछ भी नहीं लिया। हाँ तन्मय बिल्कुल रेडी था कि ले लो। यहाँ पे मैंने पर्स वगैरह देखे, अच्छे लग रहे थे, तो मेरा पर्स ख़राब हो गया है, तो मैंने कहा चलो पर्स तो ले ही लेंगे। तो फिर पर्स देखे जो मतलब मैं चाह रही थी जैसा, यहाँ पे वैसा नहीं मिला, और एक जगह मिला भी तो उसका प्राइस बहुत हाई था। दो फिर रह गए। हेलो तन्मय, तो तन्मय को था कि भैया गेम्स खेलने हैं, मॉल में गेम्स होते हैं, हमें तो अब जाके पता चला है मॉल में गेम्स होते हैं, इन्हें पहले से ही पता है। तो यहाँ पे जियो है जिद करके ये ऊपर ले आया था, सबसे ऊपर यहाँ पे गेम्स का सेक्शन था जहाँ से आपको कार्ड बनवाना पड़ता है। मेरे ख्याल से 1200 रुपये से स्टार्ट होता है वो कार्ड, और उस कार्ड से आप जो है यहाँ पे जितने भी गेम्स हैं वो खेल सकते हैं, लेकिन वो भी एक वो रहता है कि वो बैलेंस लो हो जाता है, जैसे हम लोग सारे कंप्लीट नहीं कर पाए थे, बैलेंस लो हो गया था। और ये भी है कि गेम्स खेलने के बदले अगर आपने अच्छा खेला है तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं जिनसे आप बाद में कुछ चीज़ें खरीद सकते हो। तो अभी जो है यहाँ पे गुड्डू खेल रही है, पहले तन्मय ने खेला था। चलो अबे कहाँ है, मैं भी करूंगी, पहले ही नहीं करते हैं तो। ओए एक बार चाची को दे दे, चाची को परस हाथ में, परस तो हटाओ पहले यार। क्या हुआ फेंगे नहीं? तो जितनी भी हम लोगों के पॉइंट्स इकट्ठे हुए थे, ये पर्चियां सी इकट्ठी हुई थी, अब इन भैया को देंगे और ये बताएंगे कि कितना हुआ है, और फिर उससे आगे जाके जो भी हमारा बैठा होगा कि जितने भी कॉइंस पॉइंट्स होंगे उससे कुछ मिलता है। देखो भाई क्या मिलेगा इसका, देख लो। क्या हो रहा? आया Thank you.
सबसे ऊपर से सबसे नीचे आए, और जैसे हम नीचे आए देखा यहाँ पे डांस चला था, परफॉर्मेंस कर रहे थे ये लोग, तो इनको इनका डांस देखा, बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। और अभी जो है नीचे देखते हैं नीचे क्या क्या है, और ये व्लॉग काफ़ी लंबा भी हो चुका है, इससे आगे के व्लॉग में कल मिलते हैं, और आगे हमने बहुत मस्ती की, तो फिलहाल के लिए बाय, कल मिलते हैं, इससे आगे का देखते हैं।